खबर यूपी लाइव आपकी खबर तेज और सा। महाराष्ट्र पालघर, पालघर जिला के नाला सोपारा के रहवासियों को बस की सुविधा ठप होने पर सभी ने मिलकर रेलवे स्टेशन पर भारी मात्रा में जमा होकर हंगामा शुरू कर दिया। करीब लाखों के तादाद में जमा लोग इकट्ठा होकर रेलवे कर्मचारियों पर टूट पड़े। आपको बता दें कि इस हंगामे की वजह सिर्फ और सिर्फ बस की असुविधा होने के कारण लोगों का गुस्सा था, जिसको लेकर लोगों ने रेलवे पर उतरना चालू कर दिया। इस मामले में वसई तालुका बस स्थानक की हेड प्रज्ञा उगले ने बताया कि कुल 50 बसों की सुविधा यात्रियों को दी गई थी, लेकिन इस समय कर्मचारियों को आने में असुविधा होने के कारण बस नहीं चलाई जा रही है। उन्होंने बस कब चालू होंगी इस बारे में कुछ न बताते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन नागरिकों की जरूरत कैसे पूरी होगी, कब सरकार इन लोगों की फरियाद सुनेगी। यात्रियों ने 21 जुलाई को बोईसर नाला सोपारा रेलवे स्टेशन पर आज सुबह 8:05 पर रेल रोको आंदोलन किया और सभी आम जनता के लिए स्थानीय सेवाओं को फिर से शुरू करने की मांग की। कुछ समय बाद पुलिस ने कार्रवाई की और सड़क को खाली कर दिया। वर्तमान में यातायात सुचारू रूप से चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर यूपी। मुझे बताइए अपने पास कितना गाड़ियां है और कितना पूरा स्टाफ है। गाड़ियां हमारे पास 50 गाड़ियां है पूरी, और हमारे पास स्टाफ मतलब 150-170 स्टाफ है हमारा, लेकिन अभी अवेलेबल हमारे पास सिर्फ 50-60 लोग हैं। और क्या वजह है एब्सेंट क्यों रह रहे हैं, कोरोना का भी क्या असर है क्या? उनको आने के लिए मतलब कैसे मतलब कुछ नहीं है तो इसलिए वो आ नहीं पा रहे।